हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने से ड्राइवरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां भारी संख्या में ड्राइवरों ने नए कानून के विरोध में नगर में जुलूस निकाला और कानून को वापस लिए जाने की मांग की, वहीं ड्राइवरों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM कार्यालय में सौंपा। बता दें कि बीते दिनों लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिट एंड रन कानून को पास करवाया गया, जिसमें वाहन चालक को 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा में बने नए कानून से वाहन स्वामियों और चालकों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते भारी संख्या में वाहन चालक बाजपुर के अनाज मंडी में एकत्रित हुए, जहां से आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी करते हुए नगर में जुलूस निकाला और SDM कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव धर्मपाल बंसल ने कहा कि ये कानून वाहन चालकों के लिए मौत का कानून है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति से कानून में संशोधन करवाए जाने की मांग की। ऐसा है कि पिछले लगभग 2 दशकों से जो परिवहन विभाग है, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, ये काफ़ी जो है खस्ता हालत में चला गया है। ड्राइवर लोग मिल नहीं रहे हैं। अगर इस तरीके का कानून पास होगा तो ड्राइवरी का जो ये नौकरी है या ड्राइवरी का जो पेशा है, ये लोग क्यों करेंगे भाई? एक ट्रक ड्राइवर, एक बस ड्राइवर जो है, या आप मान लीजिए कमर्शियल व्हीकल को चलाने वाला एक सिंगल ड्राइवर ऐसा होता है जो कि साइड मिरर में देख करके पीछे से आ रहे वाहन को जो है उसको हाथ का इशारा देकर कहता है कि भाई अब आप आगे निकल जाओ, और वो चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। कोई भी ड्राइवर, कोई भी जो गाड़ी वाहन चलाने वाला व्यक्ति है, वो किसी भी चीज़ को अपनी जो है सूझबूझ से बचाने का प्रयास करता है, ना कि मारने का। और वो ये जो घटना होती है, ये अनजाने में होती है या सामने वाले की गलती भी होती है। इसमें ड्राइवर तो हमेशा यही चाहता है कि मेरे वाहन के नीचे चींटी भी ना आए, और इस प्रकार का कानून बनाने का मतलब ये होगा कि ये वाहन जो है इनका चक्का जाम हो जाएगा, ड्राइवर का पेशा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके की जो है कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें जो सजा का प्रावधान किया है और ये जो है जिस तरीके से पहले चल रहा था उसी तरीके से रहना चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।